कि बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो यहाँ पर जितने भी आप पत्रकार बंधु आए सबको मैं स्वागत करता हूँ, और थोड़ा 5 मिनट जो लेट हुआ उसके लिए आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। तो ये फिल्म के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग जो पूछना चाहें। ये एक लव स्टोरी है, ट्रायंगल लव स्टोरी है, और आजकल के जो लड़के हैं अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मान करके लिविंग रिलेशनशिप और लव मैरिज और अलग अलग तरह के जो रिलेशनशिप बन रहे हैं उससे हट करके ये दिखाता है कि आप अगर फैमिली के वैल्यू को समझते हैं, अपने माँ बाप के फैसले जो लेते हैं वो हमेशा फैसले सही होते हैं, उसके इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है। और जो इसके फिल्म के प्रोड्यूसर है अशोक साहनी साहिल जी, वो उनका बचपन यहीं बीता है, और उनके जो दादाजी थे वहाँ चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, और उनके यहाँ सेब के बागान भी रहे। और खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने फिल्म में 9 गाने लिखे हैं, वो बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत शायरियाँ करते हैं। उनकी शायरियों को देखकर ही मुझे ये फिल्म का आइडिया आया, और इस फिल्म को मैं उत्तराखंड शूट करने वाला था, लेकिन सर ने मुझे बताया कि यहाँ नई फिल्म पॉलिसी आई है JNK गवर्नमेंट की, तो मुझे अट्रैक्ट हुआ। और इससे पहले मैं भदरवा में गालिब आलिंगन की आंशिक शूटिंग कर चुका था, लेकिन जो ये फिल्म पॉलिसी आई उसने मुझे इनकरेज किया कि ये फिल्म पूरी मैं आकर यहाँ शूट करूँ। हाँ, बहुत ही वाजिब सवाल है, और ये पहली बात तो ये है कि इट्स अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि कश्मीर के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पिछले 30-35 सालों में काफ़ी ख़राब रहे हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ न आने से कितने लोगों का रोज़गार छूट गया, और वो जो अब रिवाइव हो रहा है, वैसे 10 साल पहले ही वो हो गया था, मैंने हैदर फिल्म की शूटिंग भी यहीं की थी, उसके अलावा उसके आसपास के समय में भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। और जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा था, एक और फिल्म मैंने शूट की थी जो यहाँ की एक मशहूर पोएटिस है राज बेगम जी, उनके लाइफ हिस्ट्री पर बेस्ड है, तो तब भी यहाँ करीब 20-25 शूटिंग्स हो रही थी। तो ये तो समझा ही जाता है कि देखिए, अगर कोई फिल्म यूनिट यहाँ पर आती है शूट करने के लिए तो रोज़गार बढ़ता है, लोकेशंस टूरिज्म का फैलाव होता है, यहाँ के आर्टिस्ट को काम मिलता है, टेक्नीशियंस को काम मिलता है, यहाँ के छोटे छोटे मजदूरों को भी काम मिलता है, होटल्स में बुकिंग होती है, यहाँ का खाना सब जगह पहुँचता है, तो अपने आप ही रोज़गार फैलता है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो टूरिज़्म थोड़ा सफ़र किया है पिछले कई सालों में, वो उसकी भरपाई इससे हो रही है, और लेट्स होप कि ये बढ़ता जाए। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि जब से फिल्म पॉलिसी बनी है तो यार्किनॉक्स जो सिनेमा है, हमने भी कई बार वहाँ स्टोरीज कवर की है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो लोकल यूथ है, जब हम दो सवालों में, पहले मैं दूसरे सवाल को टच करता हूँ, वो ज़रा इजी है, पहले सवाल को थोड़ा बाद में बताता हूँ, कि यहाँ का जो लोकल यूथ हेजिटेंट है, तो उसकी पहली वजह तो ये है कि मैं जितना यहाँ के कलाकारों से मिला हूँ, यहाँ के कलाकार काफ़ी टैलेंटेड हैं। मैं कश्मीर फिल्म फेस्टिवल, जम्मू फिल्म फेस्टिवल में गया था पिछले साल, और तब यहाँ टैगोर हॉल में बहुत सारे आर्टिस्टों से मिला, करीब 40-50 लोगों से एक मुलाकात हुई थी, तो मुझे सभी लोग काफ़ी अच्छे टैलेंटेड लगे। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं, आपने किन लोगों को कैमरे के सामने खड़ा किया, ये हमें नहीं पता। अब वो एकदम अनजान आदमी है, तो अनजान आदमी तो चाहे कश्मीर का हो चाहे कर्नाटक का हो, वो तो घबराहट में ही रहेगा। बाकायदा जिसने ट्रेनिंग ली है, जिसने थोड़ा वक्त थिएटर में दिया है, लोकल जगह में नाटक किए हैं, कुछ छोटी छोटी यूट्यूब की फिल्में या कहीं उसका एक्सपोजर हुआ है, तो वो कर लेगा। ये तो भी एक बात इससे जुड़ी हुई। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, और आज प्रेस के सामने में ये धीरज मिश्रा की फिल्म है, हालांकि उससे अलग हट के बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से टीचिंग करता हूँ बम्बई में भी, धीरज जी जानते हैं, मेरा एक थिएटर ग्रुप है और मैं यूथ को सिखाता भी हूँ। मेरी काफ़ी समय से कोशिश रही है, हालांकि मेरे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं, कि मैं कश्मीर में कश्मीरी कम्युनिटी जो किसी भी वर्ग के हों उनके लिए ट्रेनिंग का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट या एक वर्कशॉप जैसा कुछ करना चाहता हूँ,
बट मैं अभी तक उसमें ठीक से सफल नहीं हो पा रहा हूँ, बट आपकी वजह से अगर ये बात ऐसे लोगों तक पहुँचे जो मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकें तो मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। चूँकि ये मेरी अपनी मातृभूमि है, मैं बाकायदा जिसे हम मर्ज कशीर कहते हैं उस सेंटिमेंट को, उस इमोशन को बहुत अच्छे से फील करता हूँ। चूँकि देखिए क्या है, कशीर या कशीर मर्ज जो है वो किसी एक की तो नहीं है, यहाँ पर जो भी लोग रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन या बौद्ध या लद्दाखी, सब लोग कनेक्टेड हैं कश्मीर से। और जिसका सेंटिमेंट, जिसको मदरलैंड भी कहते हैं हम, मदरलैंड का अपना एक पावर है। हम बम्बई में रह रहे हैं पिछले 30 वर्षों से, लेकिन हम उसको अपनी तरह से वो मदरलैंड वाली फीलिंग वैसी नहीं आती, क्योंकि वो आपके रोज़गार से जुड़ी हुई है। जो जबान आपको माँ की जबान जो रही है वही मातृभूमि वाली फीलिंग देता है। ठीक ऐसे ही जैसे सभी हिंदुस्तानियों को विदेश जाके एहसास होता है कि हम भारत माता की संतान। मेकर यहाँ काम करने आएंगे तो बहुत सारे लोग, अभी देखिए जो बड़ी फिल्में आती हैं शूट करने के लिए वो अपने सारे कलाकारों का सिलेक्शन वहीं से करके लाते हैं, यहाँ छोटे मोटे रोल के लिए चुनते हैं। लेकिन जो बी क्लास के, मीडियम क्लास के जो फिल्म मेकर है वो जब यहाँ पे फिल्में बनाना शुरू करेंगे मेरी तरह, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के कलाकारों को मुख्य भूमिका में रखेंगे। तो आप जो ये झिझक की बात करें वो झिझक भी खत्म होगा, क्योंकि आगे चल के वही लोग उनके आइडियल बनने वाले हैं।